हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा आपको इस चैनल पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिछले 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 18 डिस्कस कर लिए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 19 to onwards डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट एज शोन बिलो हैज। ये इथाइल एसीटोएसीटेट के दो फिगर दिया इन्होंने और इसमें पूछ रहे हैं कि जो इनोलिक फॉर्म है इथाइल एसीटोएसीटेट का, उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। चाहे कीटो फॉर्म हो या फिर इनोलिक फॉर्म हो, कीटो फॉर्म हो या फिर क्या हो, इनोलिक फॉर्म, दोनों केसों में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की वैल्यू सिमिलर होती है। मतलब जितना कीटो फॉर्म में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होंगे, उतना ही इनोलिक फॉर्म में भी पाए जाएंगे। क्लियर? तो आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना लो और किस स्ट्रक्चर बना लोगे जो सिग्मा पाई बॉन्ड होंगे, उसमें से आप किसी का भी आंसर कर दोगे। तो एक फिगर हम बना रहे हैं, उसको इलेबोरेट करके आपको बता रहे हैं। क्लियर? ये हमारा हो गया। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। सिग्मा कितना होगा, काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 18 बॉन्ड। पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, पाई बॉन्ड कितने होंगे, पाई बॉन्ड होंगे आपके 1, 2। तो पाई बॉन्ड ऑप्शन ए 9 सिग्मा बॉन्ड रॉन्ग, ऑप्शन बी 9 सिग्मा बॉन्ड रॉन्ग, ऑप्शन सी 18 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, दिस इज द करेक्ट आंसर। डी 16 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, इट इज आल्सो अ रॉन्ग आंसर। तो और करेक्ट आंसर इज 18 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द जेल्डाल्स मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अ सॉइल सैंपल, अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.75 ग्राम ऑफ सैंपल न्यूट्रलाइज्ड 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। वो कह रहे हैं कि जेल्डाल मेथड द्वारा आपको परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताना है। इसमें इंफॉर्मेशन इन्होंने ये दी है कि कोई सैंपल है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो क्या करता है कि 10 ml 1 मोलर H2SO4 को न्यूट्रलाइज करता है। क्लियर? तो देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले आपको मैं एक फार्मूला बता दूं कि परसेंटेज नाइट्रोजन का फार्मूला होता है जेल्डाल मेथड द्वारा निकालने का, परसेंटेज नाइट्रोजन इक्वल टू 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड माइनस मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। क्लियर? नाउ मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एसिड के लिए क्या होगा, अगर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम, मोलरिटी दिया है तो मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड, ये होता है मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1.4 वेट कितना दिया है, 0.75 ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अब मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकालते हैं, मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड निकालो कितना होगा, वॉल्यूम कितना दिया है 10 ml, मोलरिटी कितनी दी है 1, अब वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, कौन सा एसिड है, डाइप्रोटोनिक एसिड है तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2 होगा।
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 37.33%। क्लियर, दिस इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए 37.33, दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी 44.33, रॉन्ग। ऑप्शन सी रॉन्ग, ऑप्शन डी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज इट हैज, एक रेडिकल दिया गया है और पूछ रहे हैं कि एरोमेटिक क्यों है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि एरोमेटिक की कंडीशन क्या होती है। तो एरोमेटिक की कंडीशन होती है कि सबसे पहले अगर कोई एरोमेटिक है तो उसके पास रिंग होना चाहिए, उसमें कंजुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और 4n+2π इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जहां n की वैल्यू कुछ भी 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अगर इन चीजों का अगर कोई कंपाउंड सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एरोमेटिसिटी होगा। ठीक है, तो आओ ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में देखो, सबसे पहले इस कंपाउंड के लिए हम 4n+2π इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस कंपाउंड के लिए 4n+2π इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड, 1, 2, 3 पाई बॉन्ड हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या ये, तो क्या ये 4n+2π इलेक्ट्रॉन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, बिल्कुल फुलफिल कर रहे हैं। सभी का हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करो, देखो sp2 इसका भी हाइब्रिडाइजेशन, sp2 ये भी, sp2 इस कार्बन का भी, sp2 इस कार्बन का भी, इस कार्बन का भी sp2 और इस कार्बन का भी sp2। क्या सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं? जब सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं कि मतलब वो क्या है, सभी प्लेनर हैं, तो प्लेनर वाली कंडीशन भी फिल हो रही है। क्या ये कंजुगेशन में है, 1, 2, 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, बिल्कुल ये कंजुगेशन में। क्या ये रिंग है, बिल्कुल रिंग है। ठीक है, तो ये एरोमेटिक है, हमारे करेक्टर पता चल गए। ठीक है, ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए इज 7p ऑर्बिटल। अब ये जो रिंग स्ट्रक्चर में अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो आप देख पाओगे कि एक p ऑर्बिटल यहां फ्री है, 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 एक यहां और एक यहां, टोटल कितने हैं, 6p ऑर्बिटल है। इसी में आपके पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं। क्लियर, तो 7p ऑर्बिटल इज द रॉन्ग आंसर बिकॉज हियर इज द 6p ऑर्बिटल। तो 7p ऑर्बिटल इज द रॉन्ग आंसर, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। ऑप्शन बी 6p ऑर्बिटल एंड 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, रॉन्ग। 6p ऑर्बिटल इज द राइट, बट 7 नहीं, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑप्शन सी 6p ऑर्बिटल एंड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस इज द राइट आंसर। हमारा आंसर कौन सा सही होगा, सी डी 7p ऑर्बिटल, ये फिर गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटिल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, यहां 4 स्ट्रक्चर दिए गए हैं ऑप्शन में और आपको पूछ रहे हैं कि कौन सा आइसोब्यूटिल ग्रुप है। तो ऑप्शन ए जो ग्रुप आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटिल ग्रुप। ऑप्शन बी ये जो ग्रुप है इसको टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप कहते हैं, या फिर इसको नियो ब्यूटिल ग्रुप कहते हैं। ऑप्शन सी इसको आइसो ब्यूटिल ग्रुप कहते हैं। एंड ऑप्शन डी इसको 2° या फिर सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप कहते हैं। तो विच इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज सी, आइसोब्यूटिल ग्रुप इज द दिस वन। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज IUPAC नेम इज 3-ethyl-2-hydroxy-4-methyl-hex-3-ene-5-phenoic acid। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो IUPAC नेम दिया गया है इन चारों स्ट्रक्चरों में से कौन सा IUPAC नेम इसके हिसाब से होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम जितने भी स्ट्रक्चर है सबके प्रिंसिपल चेन के अकॉर्डिंग उसकी नंबरिंग कर लेते हैं, और नंबरिंग कर लेंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा हु इज द करेक्ट आंसर।
तो ऑप्शन ए की नंबरिंग कर रहे हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑप्शन बी में नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑप्शन सी, इसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सेम ऑप्शन डी में भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर, सबकी नंबरिंग हमने कर ली। अब आईपीएससी नेम के हिसाब से चेक करते हैं। आईपीएससी नेम क्या है? 3-thyl-2-hydroxy। थर्ड कार्बन पे क्या होना चाहिए? इथाइल ग्रुप। चेक करते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में, 1, 2, 3। थर्ड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक अलग सा ये ग्रुप है, तो क्या ये सही है? ये गलत है, ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी, 1, 2, 3, थ्री पोजीशन पे ये ग्रुप है, क्या ये इथाइल ग्रुप है? नो, तो दिस इज द आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी, 1, 2, 3, थर्ड पोजीशन पे क्या ये मिथाइल है? नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन डी पे आते हैं, थर्ड पोजीशन पे क्या है? इथाइल है, ठीक है, 3-thyl-2-hydroxy, सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, ये भी फुलफिल है। 4-methyl, फोर्थ कार्बन पे क्या मिथाइल ग्रुप है? हाँ है। हेक्स, 6 कार्बन की चेन है, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है इन, 5 कार्बन पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है आई, तो क्या ये नाम सही है हमारा? बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर इज डी, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन द एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवेन, विच वन इज द मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। चार मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप दिए गए हैं और इसमें पूछ रहे हैं कौन सा मोस्ट डीएक्टिवेटिंग है, तो मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है इसमें? नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप इज द मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, तो विच इज द राइट आंसर? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये 5 कार्बोकैटायन दिए गए हैं और इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो मैं आपको बताया था कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम किससे चेक करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन से। और हाइपर कॉन्जुगेशन किससे चेक करते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा। अब इन पांचों में से हम चेक कर लेते हैं, जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो फर्स्ट, फर्स्ट में चेक करते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सेकेंड, पांचों का स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब सब में अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं, फर्स्ट में कितने होंगे? 2, 3, 3, टोटल कितने हो गए? 8 अल्फा हाइड्रोजन। यहां चेक करते हैं, 3, 3, 3, टोटल कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन। थर्ड में चेक करते हैं, 3, 3, टोटल कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने होंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ 1 भी अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा स्टेबिलिटी, तो सेकेंड इज मोस्ट स्टेबल, देन फर्स्ट, देन थर्ड, देन फोर, देन फाइव, दिस इज द ऑर्डर। चेक द ऑप्शन,
ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजिल कार्बोनियम आयनेस. ये है कार्बोनियम आयन, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछ रहा है. देखो इसको एलिबरेट करके लिखेंगे तो ऐसा होगा, और आपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड पढ़ा होगा. इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. यहाँ बॉन्ड पेयर कितने हैं? तीन बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है, जीरो. तो इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू कितनी हो गई? तीन. और इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू जब तीन होती है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? एसपी टू. तो इस कार्बोनियम आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? एसपी टू. तो फर्स्ट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन डिटेक्शन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरीड आउट बाय लैग्रैंज टेस्ट. द ब्लू कलर फॉर्म्ड करेस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला. क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको लैग्रैंज टेस्ट द्वारा नाइट्रोजन डिटेक्शन करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? लैग्रैंज फिल्ट्रेट पे जब हम आयरन सल्फेट की रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्रूशन ब्लू कलर प्राप्त होता है. प्रूशन ब्लू कलर प्राप्त होता है. ये जो प्रूशन ब्लू कलर होता है, ये होता है फेरी फेरो साइनाइड. अल्कोहल फॉर्मूला Fe4FeCN. Fe4FeCN होल सिक्स का होल थ्राइस, ये होता है फेरी फेरो साइनाइड का फॉर्मूला. एंड दिस इज द, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं. ऑप्शन ए Fe3 रॉन्ग, ऑप्शन बी Fe4FeCN होल थ्राइस, यही सही है. तो बी इज द राइट आंसर. होमोलिटिक फिजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होमोलिटिक फिजन ऑफ द फॉलोइंग एल्केन फॉर्म्स फ्री रेडिकल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज. हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब एल्केन का हम होमोलिटिक फिजन कराते हैं तो फ्री रेडिकल बनते हैं, और ये जो फ्री एल्केन दिए गए हैं, इनसे जो फ्री रेडिकल बनेंगे उनके स्टेबिलिटी का क्रम क्या होगा? ये क्वेश्चन है. तो जो फ्री रेडिकल होता है इसके स्टेबिलिटी भी हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से चेक करते हैं. जिस फ्री रेडिकल में जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, और हाइपर कॉन्जुगेशन उसमें ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो. तो ऑप्शन ए चेक करते हैं. सारे फ्री रेडिकलों के अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेते हैं, जिसका ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो मोर स्टेबल होगा, जिसका कम होगा उससे लेस स्टेबल होगा. फर्स्ट वाला फ्री रेडिकल अनदर फ्री रेडिकल अनदर फ्री रेडिकल अब अल्फा हाइड्रोजन इसमें चेक करते हैं. कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3, 3, 2. टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन. यहां चेक करेंगे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6. यहां अल्फा हाइड्रोजन 3 इस मॉलिक्यूल में, 9. मोर स्टेबल कौन होगा? जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये होगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. उसके बाद ये स्टेबल होगा, उसके बाद ये स्टेबल होगा, उसके बाद ये स्टेबल होगा. ऑप्शन चेक कर लेते हैं. ऑप्शन ए मोर स्टेबल, ठीक है,
ये तो सही है, ये मोर स्टेबल होगा। सेकेंड ये नहीं, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। ऑप्शन बी, ये मोर स्टेबल है, ठीक है। सेकेंड पे ये है 8 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ये भी सही है। इसमें कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये इससे ज्यादा स्टेबल है। और इसमें क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो सबसे कम स्टेबल, तो सबसे कम स्टेबल ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो ये हमारा ऑप्शन सही है, तो बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी 3 डिग्री नहीं है, ये भी गलत हो गया। यहाँ भी 3 डिग्री नहीं है, ये भी गलत हो गया, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड आर द वन दैट इज मोस्ट एक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन इज। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि ये चार कंपाउंड दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन कंपाउंड मोस्ट रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो प्लस आर ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और माइनस आर ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन चारों कंपाउंडों को हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं और जिसमें प्लस आर ग्रुप होगा उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, वही हमारा आंसर होगा। तो पहले बेंजोइक एसिड बना लेते हैं, ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर। नाइट्रोबेंजीन, ऑप्शन बी नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर ये हो गया। टॉलवेन, ये हो गया टॉलवेन आपका। बेंजीन, ये हो गया बेंजीन। ये ग्रुप जो दिख रहा है ये है माइनस आर ग्रुप, ये ग्रुप माइनस आर, ये प्लस आर, और यहां भी कोई ग्रुप ही नहीं है। तो मोस्ट रिएक्टिव इनमें से कौन होगा, जो प्लस आर वाला होगा, तो प्लस आर किसके पास है, टॉलविन के पास, तो टॉलविन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नॉमनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन सा नॉमनक्लेचर IUPAC सिस्टम के हिसाब से गलत है। तो सारे ऑप्शनों को चेक करते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से, नहीं इस साइड से नंबरिंग नहीं करेंगे, ये गलत है। नंबरिंग इधर से होगी क्योंकि डबल बॉन्ड को क्या होना चाहिए, लोवेस्ट लोकेंट नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। तो ये हो जाएगी नंबरिंग 1, 2, 3। तो इसका नाम क्या होगा, थर्ड पे क्या है, ब्रोमो, तो इसका नाम होगा 3-ब्रोमो। तीन कार्बन की चेन है, प्रॉप, फर्स्ट कार्बन पे एल्कीन है, तो 1E, ये इसका नाम होगा। करेक्ट IUPAC नेम इसका ये होगा, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है, 1-ब्रोमो प्रॉप 2E, तो ये गलत है। तो ये हमारे IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर। बाकी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी 4-ब्रोमो, नंबरिंग यहां से होगा, नहीं नंबरिंग इस साइड से होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये गलत क्यों है, रीजन ये है कि जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हैं उनका जो लोकेंट्स नंबर है वो मिनिमम आने चाहिए, तो इधर से आप जाओगे तो इसके नंबर ज्यादा आएंगे, इस वजह से ये नंबरिंग गलत है। ठीक है, इधर से नंबरिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, 4 पे ब्रोमो, 2, 4 पे मिथाइल, तब डाइमिथाइल हो गया, और कितने कार्बन की चेन है, 6, तो हेक्स, एल्केन है, तो ये एनएम भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, CH3, CH2, ये तो नंबरिंग कहां से करेंगे, इधर से, 1, 2, 3, 4, 5, 2-methyl, 3-phenyl, pentane, ये भी सही है। इसको चेक करते हैं, इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे, इसकी नंबरिंग इस साइड से नहीं, इस साइड, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग को पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब नेमिंग कर लेते हैं, 5 पे क्या है, कीटोन, कीटोन को या तो कीटो लिखो या तो ऑक्सो लिखो, तो ठीक है 5-ऑक्सो, 6 कार्बन है, हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन। अब एसिटिक एसिड के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, ओइक एसिड, तो ये 5-ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड है,
बिल्कुल ये भी सही है। तो आईपीसी के हिसाब से कौन सा गलत है? ये गलत है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स, फाइंड आउट मॉलिक्यूल अमंग द फॉलोइंग विच इज लीनियर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सबका हाइब्रिडाइज कंसीडर करिए और उसके हिसाब से बताइए कि कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होता है, ये कार्बन और इसके बगल कोई भी कार्बन हो, ये दोनों कार्बन क्या होते हैं? लीनियर होते हैं। मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और उसके बगल वाला कार्बन क्या होते हैं? लीनियर पोजीशन में होते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं, जिस मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा और उसके बगल वाला कार्बन कुछ भी हो, ऐसी अगर कंडीशन हमें मिलती है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? लीनियर होगा। तो ठीक है, फर्स्ट वाला देखते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन, इसका चेक करेंगे sp3, ठीक है, इसका चेक करें sp2, 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 sp3, sp तो आया नहीं तो ये है, इसमें लीनियर नहीं होगा। इसका चेक करते हैं sp3, sp, sp and sp3, ये लीनियर होगा, क्योंकि देखो ये लीनियर होगा, मैं बोला था sp हाइब्रिडाइज कार्बन उसके बगल वाला कार्बन, तो ये भी लीनियर है और यहाँ भी सिमिलर कंडीशन, sp हाइब्रिडाइज कार्बन उसके बगल वाला कार्बन, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp और इसका sp, ठीक है। देखो ये तो लीनियर होंगे, यहां तक तो लीनियर मॉलिक्यूल होगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा? ये लीनियर नहीं होगा, इसकी लीनियरिटी चेंज हो जाएगी, ये कैसा हो जाएगा? प्लेनर हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। और ये इसमें क्या है? सभी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो सभी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी लीनियर नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्लियर? तो लीनियर मॉलिक्यूल इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। क्वेश्चन ये है कि ये चार कंपाउंड दिए गए हैं, पूछ रहे हैं कौन सा मोस्ट होगा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के लिए। तो अभी मैं आपको पिछले भी बताया था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर1। अब यहां अगर आप चेक करो तो सारे ये भी और ये भी सभी क्या है? प्लस आर है। तो फिर मोस्ट एक्टिव कौन होगा? मोस्ट एक्टिव वो होगा जिसकी प्लस आर पावर क्या होगी? ज्यादा। मोर प्लस आर पावर, मोर रिएक्टिव। तो इनमें सभी चेक करो तो आप पाओगे कि एल्कोहल की प्लस आर पावर सबसे ज्यादा होगी, तो मोस्ट एक्टिव कौन होगा? ये कंपाउंड, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम फॉर द कंपाउंड। ये कंपाउंड इसका आईयूपीएसी नेम बताना है, तो नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम दो तीन नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक नंबरिंग और कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सभी से एक कार्बन की चेन है, तो प्रिंसिपल चेन कौन होगी? देखो प्रिंसिपल चेन वो होगी जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग होगी, ठीक है। तो अगर आप इसको चूज करते हो, इस वाली ब्रांच को, तो इसके पास कितने ब्रांच आएंगे? दो ब्रांचिंग आएंगी। अगर आप इस वाली चेन को चूज करते हो तो भी दो ब्रांच आएंगे, तो दोनों में से किसी को चूज कर लो। तो मैं क्या किया हूं कि इसको चूज कर ले रहा हूं, ठीक है। आप इसको भी चूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब नेमिंग करते हैं, 1, 2, 3। 3 पे क्या है? प्रोपाइल है। 4 पे क्या है? इथाइल है। आपको पता है सब्स्टिट्यूएंट को हम अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, तो इथाइल पहले आएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 4-ethyl। नंबरिंग हमारी ये होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। थर्ड कार्बन पे प्रोपाइल, फोर्थ कार्बन पे इथाइल, तो नेमिंग होगा 4-ethyl, 3-propyl। 6 कार्बन है हेक्स,
1A. ऑप्शन चेक करो आप, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ड्यूमास मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.35 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 55 ml ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड एट 300 केल्विन टेंपरेचर एंड 715 mm प्रेशर द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड वुड बी. क्वेश्चन में एक्वस टेंशन मेंशन है. सबसे पहले मैं तो एक्वस टेंशन के बारे में पहले क्वेश्चन समझ लो आप. क्वेश्चन ये है कि ड्यूमा मेथड से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका क्या निकालना है, परसेंटेज नाइट्रोजन निकालना है. नाइट्रोजन का वॉल्यूम उन्होंने किसी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे दे दिया है, आपको क्या करना है, परसेंटेज नाइट्रोजन निकालना है. तो परसेंटेज नाइट्रोजन निकालने के लिए मैं आपको फार्मूला बता चुका हूँ, यहाँ फिर भी बता दे रहा हूँ. परसेंटेज नाइट्रोजन ड्यूमा मेथड द्वारा होता है परसेंटेज नाइट्रोजन इक्वल टू नाइट्रोजन का वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 8 × वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन का वॉल्यूम ये किस पे होना चाहिए, एसटीपी पे. जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया नाइट्रोजन का वॉल्यूम ये किस पे होना, किस पे दिया है, किसी टेम्परेचर प्रेशर पे दिया है, तो हम इसको एसटीपी पे निकालना पड़ेगा. एसटीपी पे कैसे निकालेंगे, एसटीपी पे निकालने के लिए वही आइडियल गैस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2. मान लेते हैं कि P1 क्या है, ये जो हमारा P1 है ये हमारा एसटीपी होगा. तो P1 एसटीपी पे कितना होगा, 760. टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन. वॉल्यूम हमें चाहिए. P2 हमारा कितना है, 715. लेकिन इसको हम इस फार्मूले में यूज नहीं करेंगे. रीजन ये है कि यहाँ एक्वस टेंशन दी गई है, तो P2 के लिए जो हम वैल्यू उसमें एक्वस टेंशन माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो हम P2 की जगह रखेंगे. तो P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700. V2 55 दिया है, टेम्परेचर कितना है, 300. ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो V1 की वैल्यू आएगी 49.099 ml. अब इस वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर दें, परसेंटेज नाइट्रोजन आ जाएगा. वॉल्यूम कितना है, 49.099. 8 × वेट कितना है, 0.35. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 16.45. इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग. ऑप्शन ए को देखो आप, तो ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जाम्पल है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल. ऑप्शन बी चेक करें, ऑप्शन बी चेक करें तो देखो ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है. कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है. ऑप्शन सी में आते हैं, ऑप्शन सी देखो आप, इसमें क्या है, ये है न्यूक्लियोफाइल और ये कंपाउंड में रिप्लेस हो रहा है किसी और न्यूक्लियोफाइल से, तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो हमारा आंसर कौन सा है, सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन डी, ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. और ये देखो इसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, इस वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन है, सी. तो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैसैग्ने एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद कंसंट्रेट HNO3 व्हाइल टेस्टिंग फॉर हैलोजन By doing so it. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हैलोजन की टेस्टिंग करते हैं तो हम लैसैग्ने एक्सट्रैक्ट को कंसंट्रेट HNO3 से बॉयल करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं. तो इसका रीजन ये है कि जो लैसैग्ने एक्सट्रैक्ट में नाइट्रोजन सल्फाइड और सोडियम साइनाइड है, इसको क्या करता है, कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रोजन सल्फाइड को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में कन्वर्ट करके एस्केप करा देगा और सोडियम साइनाइड को हाइड्रोजन साइनाइड
गैस के रूप में एस्केप करा देता है। तो ऑप्शन ए पे आते हैं, ऑप्शन ए डिकम्पोज सोडियम सल्फाइड एंड सोडियम साइनाइड फॉर्म, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजली। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये चार जो कंपाउंड दिए गए हैं इनमें से कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजली दे देगा। तो इसका एक कॉन्सेप्ट समझो बेटा, देखो ये जो क्लोरीन है इसका जो ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है एक्चुअली ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, इसके जो लोन पेयर हैं वो इस रिंग के साथ रेजोनेंस शो करते हैं। तो अगर ये जितना ज्यादा पार्शियल डबल रहेगा इस क्लोरीन को रिप्लेस करना उतना मुश्किल काम होगा। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे लगा हो जो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा तो ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरफ ज्यादा कन्वर्ट होगा और इसको रिप्लेस करना आसान होगा। मतलब दूसरे शब्द हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है एरिल हैलाइड का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर ग्रुप होता है। ठीक है, तो माइनस आर ग्रुप चेक कर लेते हैं, इसमें से जो जिसके पास माइनस आर ग्रुप होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से दे देगा। तो इन ग्रुपों को चेक करें, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप आप यहाँ देख पा रहे हो और एक ग्रुप यहाँ पे। इनमें जो नाइट्रो ग्रुप है ये क्या है, माइनस आर ग्रुप, ये प्लस आर ग्रुप, ये भी आपका क्या है प्लस आर, और ये तो होता है प्लस आर लेकिन इसका कौन सा ग्रुप डोमिनेंट होता है, माइनस आई ग्रुप। ठीक है, तो माइनस आर ग्रुप जिसके पास होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से देगा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये कंपाउंड दिया गया है इसका आईयूपीएसी नेम बताना। तो नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग यहां से कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। नाम क्या होगा इसका, 2-chloro-3-iodo, दो पे क्लोरीन है तो 2-chloro, तीसरे कार्बन पे आयोडीन है 3-iodo, कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, तो पेंट। सेकेंड कार्बन पे क्या है आपका डबल बॉन्ड है तो पेंट 2-ene, या इसको आप 2-pentene भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका आईपीएसी नेम ये होगा 2-chloro-3-iodo-pent-2-ene or 2-pentene। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, लेकिन ऑप्शन में देखो सारे ऑप्शनों में सिस और ट्रांस भी दिया गया है तो सिस और ट्रांस चेक कर लेते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर अगर देखें तो क्लोरीन की हायर प्रायोरिटी है ओवर CH3, तो ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप, ये लोअर प्रायोरिटी ग्रुप। राइट साइड चेक करते हैं, ये लोअर प्रायोरिटी ग्रुप और ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप। अगर आपने EZ आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, इट इज ई टाइप ऑफ आइसोमर, और जो ई होता है ये इक्विवेलेंट किसके होता है, ट्रांस के। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर होगा जो इस एल्कीन का नेम होगा वो होगा ट्रांस 2-chloro-3-iodo-pent-2-ene or 2-pentene। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं किसमें मैच कर रहा है, तो देखेंगे कि ऑप्शन ए हमारे इससे मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, ये स्पीसीज दी गई है कौन इसमें इलेक्ट्रोफाइल नहीं है वही पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बताया था कि दो होते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, एक होता है हाइड्रोनियम आयन और एक होता है अमोनियम आयन, और इसका मैं रीजन भी आपको बताया था कि इनके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं पाए जाते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल इन दोनों में नहीं होता है, और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ही ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करते। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, ये स्ट्रक्चर दिया गया है इसका आईयूपीएसी नेम दिया गया है। ठीक है, तो नंबरिंग इस साइड से करें या नंबरिंग राइट साइड से करें, ये नंबरिंग सही है ये नंबरिंग सही है, इसको जज करने के लिए ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों अगर सेम नंबर पाए
तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड प्रायोरिटी पे हो तो भी हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड लेस नंबर पाए तो हम किसको प्रेफर करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। तो यहां देखो, अगर हम इधर से आते हैं तो हमको डबल बॉन्ड किस नंबर पे मिल रहा है, दूसरे नंबर पे, और इधर से आप करो तो सिंगल ट्रिपल बॉन्ड किस नंबर पे मिल रहा है, फर्स्ट वाले नंबर पे। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, नीचे वाली नंबरिंग सही होगी क्योंकि ये लोएस्ट नंबर पा रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो हम इसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से नेमिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 तीसरे पे क्या है, ये कितने कार्बन की चेन है, 5, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, पेंट। तीसरे कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसके लिए यूज करेंगे पेंट 3-ईन, फर्स्ट कार्बन पे है तो 1-आईन। बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल के 19 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और ये सारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अगले वीडियो में मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन चैप्टर के पिछले 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि इसमें क्या कमी रह गई है या कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।